हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज संडे है। फिर भी मंथ एंड की वजह से इनको ऑफिस जाना है तो लंच तो मैंने बना के रख दिया है। अभी नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में बना रही हूँ आज उपमा। तो उपमा के लिए पहले मैंने ये सब्जी कटिंग करी है और उसके बाद ये अभी सूजी भून रही हूँ। सूजी को ऐसे ही भून लेते हैं ड्राई, इसमें कोई घी वगैरह नहीं डालते, ऐसे भून के निकाल देते हैं। मेरी सूजी कुछ ज़्यादा ही भून गई थी क्योंकि मैं कुछ और करने चली थी तो मेरी इतना नहीं भूनना है, इससे कम ही भूनना है। और बिना किसी तेल या घी के आप ऐसे ड्राई सूजी को भून के निकाल लीजिए। ये मेरा एक कटोरी सूजी है और इसके साथ मैंने एक बड़ा प्याज और आधा शिमला मिर्च और दो टमाटर कट किए थे। बाकी इसमें और आप कैरेट भी डाल सकते हो और फ्रेंच बीन्स आती हैं वो भी डाल सकते हैं। सूजी को भून लेने के बाद फिर उसी पैन में दो चम्मच घी डाल के हम मूंगफली भून लेंगे। निकालने के बाद फिर मैं इसमें जा रही हूँ अब मूंगफली हमारी भून गई है घी में एंड हम गैस स्लो कर देंगे। उसके बाद इसी में हम काजू भी डाल के भून लेंगे क्योंकि काजू तुरंत भुनने लगता है, तुरंत ही ये ब्राउन हो जाता है। तो फिर जब मूंगफली भुन जाएगी तो मूंगफली गर्म रहती है, तेल भी उसका घी भी जो भी डाला है वो गर्म रहता है, तो उसके साथ काजू भुनने भर का उतना रहता है। तो फिर मैं उसमें मूँगफली के साथ काजू भून रही हूँ। अभी मेरा काजू और मूँगफली भून गया है। फिर इस पैन में हम दो चम्मच घी और डाल देंगे क्योंकि हमें अब अनियन भुनना है और बाकी सब्जियां भी थोड़ा हल्का सा भुनना है, फ्राई करना है, इसलिए इसमें दो चम्मच घी और डाल देंगे। मैं घी में बनाती हूँ ये उपमा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो रिफाइंड भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि उससे टेस्ट इसका नहीं अच्छा आता है। तो आप घी में बनाइए तो ज़्यादा बेटर, घी में नहीं तो फिर आप रिफाइंड ऑयल में इसको बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें जीरा एंड नीचे ना करो, एक जना रख लो, हिलती है इसलिए नहीं अच्छा लगता, कितनी बार बोलूं तुमको नहीं अच्छा लगता, चिंता नहीं करता है पता लगा देना सब्ज़ी हमारी हल्की सी पक गई तो फिर मैंने उसमें ये भुनी वाली सूजी डाल दी और सूजी डाल के फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी, मेरी चाय भी बन गई है और इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइट लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया, अभी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें मैंने काजू और मूँगफली भी डाल दी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें दो चम्मच घी और ऊपर से डाल देंगे तो ये इसका टेक्सचर और अच्छा आ जाता है। 3, 2, 1 गो। और ये हमारा उपमा रेडी है, टेस्टी उपमा, बेहद डिलीशियस और एकदम सॉफ्ट।
बिल्कुल भी टाइट नहीं, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं है सूखा या ड्राई जैसे हो जाता है। आप भी इसी तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और वो बहुत ही प्रेम से खाते हैं, ख़ास तौर पर ईशू जिनको कुछ भी कभी जल्दी पसंद नहीं आता है, पर उसको भी ये बहुत पसंद आया और सबसे ज़्यादा उसी ने खाया। एंड आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा है। जो पहले बनाए थे ना आपने उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको हमने काजू और वो भी डाला ना, वो काजू और पीनट डाला जाता है, खाने में अच्छा लग रहा है। इसमें और भी वेजिटेबल्स पड़ती है, कैरेट वगैरह भी पड़ता है, पर कैरेट था नहीं मेरे पास। तो अच्छा है खाने में बहुत। तुम्हें तो वैसे भी वेजिटेबल नहीं पसंद है। नहीं मुझे पसंद है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये पत्ती निकाल देता हूँ। ये देखो इसमें क्या है, ये टमाटर और वो है शिमला मिर्च। खा लिया तुमने? मिर्ची भी थी। किचन मेरा थोड़ा मेस था, उसे क्लीन वगैरह किया, उसके बाद फिर मैंने बाथ लिया, हेयर वॉश भी किया क्योंकि बाल गंदे हो गए थे, थोड़ा सा ऊपर से डस्ट हो गया था, काफ़ी दिन से किचन मेस था तो ही क्लीन किया। और फिर अब हम लोग लंच कर रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इधर बैठो, तुम चीटिंग कर रहे हो शीशम देख के। मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं। अभी ईशू का एग्जाम शुरू होने वाला है तो मैं बस थोड़ा सा उनके साथ उनको मेहनत करवा रही हूँ, लर्न करवा रही हूँ। अब ये सिविक्स लर्न करके लाए, मुझे सुना रहे हैं पर बीच बीच में अटक रहे हैं, अभी ढंग से लर्न हुआ नहीं है। तो अभी डेट शीट वगैरह नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि अब, क्योंकि मैम बार बार बोल रही हैं एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि अब तुम अपना लर्न करने का शुरू कर दो। तो कुछ सिविक्स लर्न करके लाए थे तो मैं बोले मम्मी आप सुन लो, तो मैं वही सुन रही थी। खेल रहे थे या फिर वीडियो देख रहे थे? नम, नम।
बहुत टेस्टी है। मोबाइल में वीडियो देख रहे थे ना? खेल रहे थे। बताओ नोटी, मोबाइल में वीडियो चल रहा था कि खेल रहे थे? हैं? खेल रहे थे, बाहर गए थे। अगर मोबाइल में वीडियो देखोगे तो फिर मैं चीकू को नहीं भेजूंगी। अरे हम देखे भी नहीं मोबाइल। नहीं देखे? खेल रहे थे पूरा दिन खेला। अब उस रूम में जाके कर लो। रात के बज गए हैं 9:30 और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। एंड आज डिनर मंगवाया है हमने बाहर से, तो बस हम लोग सब लोग डिनर कर रहे हैं। अब बाहर से आए ना आज। तुम बताओ चीकू, आज खाना कैसा है? इधर बताओ है? आज बिन बुलाए बैठ गए आगे, और रोज जो है बुलाना पड़ता है है ना चीकू? आज तो खिलाना नहीं पड़ेगा रो रो के, है ना? ओके गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले ब्लॉग में आपको फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।